वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करेंगे मिसमैच रिपेयर इन यूकेरियोटिक सिस्टम्स। जैसा कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, वहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स के अंदर मिसमैच रिपेयर किस प्रकार से होती है उसकी बातें की थी। तो थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ बातें जो अलग आएंगी वो हम पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जैसे इकोलाई की बात की थी तो वहाँ पे केवल एक ही सेल थी और उस सेल के अंदर जो जीनोमिक मटेरियल है वो सर्कुलर क्रोमोजोम के रूप में प्रेजेंट था। तो वहाँ सिंपल सिस्टम होने की वजह से उसको मैनिपुलेट करना और उससे जुड़ी स्टडीज करना काफ़ी ईजी होता है। बट यूकेरियोटिक सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पर अलग से जो रिपेयर मैकेनिज्म है कि अलग अलग सेल टाइप्स में अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है, तो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और जो भी यूकेरियोट्स के अंदर मिसमैच को रिपेयर करने से जुड़ा हुआ जो भी एस्पेक्ट हम जानते हैं वो एक्चुअल में दो मॉडल सिस्टम्स हैं, एक है एंड्रोसोफिला और दूसरा है जीनोपस। इनके जो डीएनए एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनसे जो डीएनए निकाला गया है उस डीएनए का जो इन विट्रो स्टडी सिस्टम है, एग्जैक्टली कंप्लीट डीएनए के ऊपर काम नहीं है। इन मॉडल्स से डीएनए को आइसोलेट किया गया है और फिर आइसोलेट डीएनए को इन विट्रो सिस्टम्स में स्टडी किया गया है रिपेयर को लेकर के। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें समझने को मिलेगा वो सारा का सारा इनसे निकाले हुए डीएनए के इन विट्रो स्टडीज के ऊपर बेस्ड है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीछे वाले से हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, जैसे हमने इकोलाई में बात की थी कि वहाँ जो रिपेयर सिस्टम है वो एक्चुअल में जो हैवी मिथाइलेटेड डीएनए था जो डीएनए का मिथाइलेशन पैटर्न जिसमें हमने जी ए टी सी सीक्वेंसेस के अंदर एडेनिन के ऊपर मिथाइलिन को लेकर के जो बातें समझी थी, तो वहाँ का सारा सिस्टम मिथाइलेशन का जो सिग्नेचर होता है उसको एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि उसके ऊपर आधारित होता है। बट यूकेरियोट्स के अंदर जो हमारा रिपेयर सिस्टम है मिसमैच वाला, वो डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न को इस्तेमाल नहीं करता है, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। यानी कि हमें एक क्लियर कट डिफरेंस लेना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हैवी मिथाइलेशन पैटर्न को रिपेयर मैकेनिज्म यूज करती है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर ऐसा कोई मिसमैच को रिपेयर करने के लिए मिथाइलेशन का कोई रोल सिस्टम नहीं देता है। इसके बाद में बात जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन के रूप में है उसको समझने के लिए हम यहाँ फोकस करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम था उसमें हमें पता था कि जहाँ भी जीएटीसी सीक्वेंस थी वहाँ हमारा म्यूट एच आकर के बाइंड करता था, जहाँ मिसमैच होती है वहाँ पे म्यूट एस रिकॉग्नाइज करके वहाँ बाइंड करता था और जो म्यूट एल है वो लिंक का काम करता था। तो इट मीन्स हम वहाँ पे ये समझ रहे थे कि मिथाइलेशन को सबसे पहले यूज़ करके एच जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे मिथाइलेशन का तो कोई रोल है ही नहीं। तो जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है कि मिथाइलेशन के बिना, जब मिथाइलेशन पैटर्न को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि मिसमैच कहाँ पे है, और मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने के बाद में स्पेस के ऊपर वो काम कैसे करता है। तो इन विट्रो स्टडीज जिस बारे में हमें सजेस्ट कर रही हैं वो ये है कि हमारा जो यूकेरियोटिक रिपेयर सिस्टम है मिसमैच वाला, वो जो निक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि डीएनए के अंदर जहाँ भी कट्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो बैकबोन है वो टूटी हुई होती है, और स्पेशली ये जो निक्स हैं वो कौन से स्ट्रैंड में हो, न्यू स्ट्रैंड जो नया बना है, उन नए स्ट्रैंड्स के अंदर जहाँ भी मिक्स होता है उस मिक्स को एक्सप्लॉइट करती है। मिथाइलेशन को एक्सप्लॉइट नहीं करती है, उसको एक्सप्लॉइट करेगी, मिक्स को एक्सप्लॉइट करेगी। जैसे कि हम इस मॉडल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ बीच वाले पार्ट में यहाँ मैंने दिखा रखा है कि मिसमैच की कंडीशन है, और मिसमैच की कंडीशन के बाद में हम देखते हैं तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे निक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में कट है वो इसमें यहाँ दिखा रखे हैं और इसमें हमने यहाँ दिखा रखा है। यहाँ पे कट हमने दे दिया, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ निक। और इसके बाद में जो कंडीशन हम बात करें तो यहाँ पे निक्स हैं, जैसे 5' है, ये 3' निक है। नियर बाई की बात करें
जहाँ पे मिसमैच है उस मिसमैच से नियर बाई जो निक है, यहाँ पे नियर बाई निक कौन सा हो गया 3 प्राइम, और यहाँ पे नियर बाई निक हो गया 5 प्राइम। तो निक को एक्सप्लोइट किया जाएगा, यानी कि सिस्टम मिथाइलेशन पे ना जा करके जहाँ पे कट है उस कट को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये कट भी कौन सा, दैट शुड बी नियरेस्ट। जहाँ मिसमैच, मिसमैच के जस्ट सबसे क्लोज जो निक है उस निक को इस्तेमाल हमारा सिस्टम रिपेयर के लिए करेगा। तो अगर हम बात करें कि पॉसिबिलिटीज 3 प्राइम वाले निक की ज़्यादा होती हैं या 5 प्राइम वाले निक की ज़्यादा होती हैं, या लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर निक्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या लैगिंग के ऊपर ज़्यादा होती है, तो हम इस रेप्लिकेशन वाले मॉडल जो अपन नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे जो व्हाइट कलर से मैंने दिखा रखा है ये पेरेंट स्ट्रैंड थे, और यहाँ पे रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट हो रखा है। तो जो यहाँ ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है वो लीडिंग का सिंथेसिस है, 5-2 कंटिन्यूस तरीके तरफ भी सिंथेसाइज हो रहा है, और यहाँ पे जो ओकादे की फ्रैगमेंट्स है वो सिंथेसाइज हुए हैं। अगर हम लीडिंग की बात करते हैं तो लीडिंग में यहाँ से काम चालू हुआ था और यहाँ पर केवल एक कट मिलेगा, यानी कि अभी जो नया बन रहा है उसमें कट केवल यहाँ मिलेगा। तो दिस इज ओनली 3 प्राइम, सिंगल कट यहाँ पे हमें मिलेगा लीडिंग के ऊपर। अगर हम इसी प्रकार से लैगिंग की बात करें तो यहाँ पे कट है एक 5 प्राइम, एक 3 प्राइम, ऐसे ही फिर यहाँ पे कट मिलेगी एक 5 प्राइम, एक 3 प्राइम। इट मीन्स नंबर ऑफ कट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ निक्स 3 प्राइम। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर निक्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो मिसमैच है अगर वो यहीं पे है, सपोज मिसमैच यहीं पे है, तो केवल उसके पास एक ही प्रोबेबिलिटी है कि निक केवल यहाँ मिलेगा, और वो भी लीडिंग है तो काफ़ी दूर भी मिल सकता है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम लैगिंग के ऊपर हो मिसमैच वाली, जैसे लैगिंग के ऊपर हो मिसमैच वाली, तो वहाँ नियर बाई बार बार आपको निक्स मिल जाएंगे। या हम क्या समझ रहे हैं कि रिपेयर करने के लिए नियर बाई निक की जरूरत पड़ती है, और ऐसे निक नियर बाई कहाँ ज़्यादा है, लैगिंग पे जाता है। तो एक अप्रोच हमारी, हमारे पास ये आती है कि यूकेरियोटिक सिस्टम्स के अंदर मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो ज़्यादातर लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बेस्ट होता है, ना कि लीडिंग के ऊपर बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ निक्स जिनको इस्तेमाल करके हमारा सिस्टम यूज होता है वो यहाँ पे बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू द लीडिंग स्ट्रैंड। इसके बाद में ये तो बात उनकी निक को रिकॉग्नाइज करना, तो नियर बाई निक को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और रिकॉग्नाइज करने के लिए जो निक्स हैं उन निक्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये जो वर्क है ये वर्क होगा। तो इस वर्क को करने के लिए जो टोटल मशीनरी है वो हमने यहाँ पे ले रखी है। वहाँ पे हमारे पास म्यूट एस, म्यूट एल, म्यूट एच ये आते थे, यहाँ पे उनके ही बराबर काम करने वाले दूसरे प्रोटीन्स हैं, यानी कि उनके एनालॉग्स हैं एक्चुअल में। तो ये है हमारे पास म्यूट एस अल्फा, और ये भी एक्चुअल में डाइमर होता है, इसमें MSH2 और MSH6 का ये हेटेरोडाइमर है। ऐसे ही दूसरा म्यूटेस जो बीटा होता है ये भी हेटेरोडाइमर है, MSH2 और H3 का। तो एक तो अपना म्यूट एस अल्फा, दूसरा म्यूट एस बीटा, और एक नॉन स्टोन प्रोटीन होती है HMG B1। सबसे पहला जो काम होता है कि एक्सप्लोइट तो होना है निक को, निक नियर बाई जो भी होगा, कि अगर 3 प्राइम है तो उसको एक्सप्लोइट कर लेगा सिस्टम, अगर 5 प्राइम है तो उसको एक्सप्लोइट कर लेगा। ये दोनों ही निक को इस्तेमाल करके हमारा सिस्टम ऑपरेट हो सकता है। अब सिस्टम को ऑपरेट होने में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि जहाँ पे भी निक है उस निक को इस्तेमाल करके एक्सीजन कोज करना, कि जहाँ पे मिसमैच वाला मिसमैच जहाँ पे है उस मिसमैच वाले को यहाँ से रिमूव करना। वो 5 प्राइम से भी उसको रिमूव कर सकता है और 3 प्राइम से भी उसको रिमूव कर सकता है। तो रिमूव करने का जो काम है वो काम सबसे पहले करेंगे म्यूट एस अल्फा और बीटा, और इनके साथ में होगा ये HMG B1। तो ये कहाँ काम करेंगे, ऑक्सीजन के लिए काम करेंगे। तो ये मिल करके यहाँ, अगर 3 प्राइम पे काम करना तो यहाँ पे आएंगे, और 5 प्राइम पे काम करना तो यहाँ आएंगे, जो भी नियरेस्ट निक होगा वहाँ से ये काम चालू करेंगे। और इनका जो काम है वो काम ये है कि ये एक्सीजन करेंगे, कि जैसे यहाँ से वर्क चालू करेगा तो ये इस पार्ट को सारे को यहाँ से एक्साइज करेगा।
और अगर ये यहाँ से वर्क चालू कर रहा है तो ये सारे को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँच करेगा। तो अगर इसको इस्तेमाल किया तो इस डायरेक्शन में करेगा, इसको इस्तेमाल किया तो इस डायरेक्शन में करेगा। और ऑलमोस्ट जो ऑक्सीजन कोड होता है वो 90 से लेकर के 170 न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास का जो रीजन है वो इसमें से एक्साइज किया जाता है। ऑक्सीजन के बाद में दूसरा जो कट है वो यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से काम कर रहा है तो इसके इसमें इसके बाद में जो कट लगेंगे उन कट्स को पॉज करने की जिम्मेदारी है वो म्यूट अल्फा और एक्सो वन की होती है। सेकेंड निक कोच होगा जो आफ्टर मिसमैच होगा वो कोच करेंगे म्यूट एल अल्फा। ये म्यूट एल अल्फा भी अपने आप में हेटरोडायमर है LH1 और PMS2 का, और साथ में इसके XO1 होगा। तो ये सेकेंड वाला जो भी निक है इसको कोच करेंगे। तो इन तीनों मेंबर्स ने इसको एक्सरसाइज करना चालू किया। XO1 और म्यूटल अल्फा ने इस मिसमैच के बाद वाली जगह पे निक कोच कर दिया, और उसके बाद जब ये खाली हो गया तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गैप, गैप क्रिएट हो गया है, उस गैप को फिर फिलअप किया जाएगा। तो फिलअप करने के लिए ये सारा जो सिस्टम है ये काम में आया था कि DNA पॉलीमरेज डेल्टा काम आता है। वहाँ हमने एक पढ़ाई में बात की थी कि DNA पॉलीमरेज फर्स्ट काम आता है, साथ में PCNA काम आएगा, क्लैंप लोडर जो प्रोटीन रेप्लिकेशन फैक्टर सी प्रोटीन है ये काम में आती है, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे इसको हटा दिया जाएगा तो नीचे जो सिंगल स्ट्रैंड बनता है उस सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करने के लिए जो SSB प्रोटीन्स जो वहाँ इकोलाई में काम करते हैं उनके बराबर यहाँ पे यू में काम करती हैं RPA प्रोटीन्स। तो RPA प्रोटीन्स का रोल आएगा। तो ये सारे मिलकर के बाद में जो नया स्ट्रैंड है उस नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देंगे। यानी कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले नियरेस्ट निक को आइडेंटिफाई, वो लैगिंग के ऊपर ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। उसके बाद में एस अल्फा, एस बीटा और HMG B1 इन्होंने एक्साइज करना चालू किया, और मिसमैच के आगे वाले भाग के ऊपर म्यूट एल अल्फा और XO1 में सेकंड कट लगाया, सेकंड निक। तो ये पूरा भाग एक्साइज हो गया। एक्साइज होने के बाद में पॉलीमरेज डेल्टा, PCNA और RFC और RPA ने मिलकर के न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर दिया, और लास्ट के अंदर जो लाइगेज एंजाइम है वो इस लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये सारा का सारा सीलअप हो जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेट मॉलिक्यूल है वो बन करके आ जाता है। तो ये एक सिस्टम था कि यूकैरियोट्स के अंदर जो मिसमैच है उसको कैसे सुधारा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स से थोड़ा सा अलग है कि इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो केवल हमारे पास जो इन विट्रो स्टडीज हैं वहाँ से आया हुआ है। DNA मिथाइलेशन पैटर्न का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है। देखा जाए तो लैगिंग स्ट्रैंड का ज़्यादा बड़ा रोल आता है यूकैरियोट्स में मिसमैच रिपेयर को कोर्स करने के लिए, और जो एंजाइमेटिक मशीनरी काम करती है वो भी यूकैरियोट्स से थोड़ी सी अलग है, लेकिन काम करने के तरीके को लेकर के वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैकेनिज्म लगभग वैसी होती है, कट कहाँ लगेंगे, कट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आधार क्या होगा, वो सब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों का जो कंपेरेटिव अकाउंट है वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का सिस्टम अलग प्रकार से है, और उसका थोड़ा सा जो डिफरेंट मॉडल है वो यहाँ यूकैरियोट्स में काम करता है, तो डिफरेंट बॉडीज यहाँ पर काम करती है। तो आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। थैंक यू।